लाहौर के मशहूर अटार मंडी बाजार में जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर पुलिस के जारी करदा बयान में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर धमाके की नौइयत सिलेंडर धमाका बताई गई, जो न्यू अनारकली में प्राइस बॉन्ड की दुकान में हुआ। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की और उन्हें म्यो हस्पताल मुंतकिल कर दिया। म्यो हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS ने हस्पताल में एमरजेंसी नाफिज करने के अहकाम जारी किए और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी। धमाके की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर बशीर चट्ठा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद म्यो हॉस्पिटल पहुंच गए। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने सिविल डिफेंस ऑफिसर को अनारकली में बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात करने की हिदायत की और कहा कि अनारकली बाजार की मुकम्मल स्वीपिंग की जाए। वजीर आला का नोटिस। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अनारकली बाजार में धमाके के वाके का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की कि वाके की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए और जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाए। जियो न्यूज के मुताबिक लोहारी गेट के करीब धमाके में एक शख्स जां बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जियो न्यूज के मुताबिक लाहौर के इलाके लोहारी गेट पर दुकानों के करीब धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जबकि धमाके से मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए और करीब खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। वाके की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक धमाके के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए म्यो हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बास की हालत तश्वीशनाक है। जराए का बताना है कि धमाके की जगह पर गढ़ा पड़ गया है और फोरेंसिक टीमें शवाहिद इकट्ठा कर रही हैं। पुलिस ने इलाके में धमाके की तस्दीक करते हुए कहा है कि दुकानों के पास प्लांटेड बम नस्ब किया गया था, जिसके फटने से जोरदार धमाका हुआ है और तकरीबन 1.5 फुट गहरा गढ़ा पड़ा है। जराए का बताना है कि धमाका अनारकली बाजार के दाखिली रास्ते पर हुआ है, जो निजी बैंक के करीब मौजूद दुकानों के पास हुआ। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद ने धमाके में 20 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि वाके की इब्तदाई तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नाजरीन, आजकल कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इसकी तबाहकारियों से महफूज ना हो। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त कोरोना वायरस एक तबाही मचा चुका है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग मर रहे हैं, जबकि लाखों लोगों में इस मूजी मर्ज की तशखीस हो रही है। नाजरीन, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, जहां तक एक वक्त था कि भारतीय पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलमानों पर तशद्दुद को रोकने में ना सिर्फ नाकाम थे, बल्कि खुद भी इस फेल में शामिल हो जाया करते थे, आज वही पुलिस वाले कभी मुसलमानों की मस्जिद के सामने ये दुआएं कर रहे हैं कि रमजान मुबारक में तुम लोगों का अल्लाह तुम्हारे बहुत नजदीक होता है, और सुना है तरावी में जो तुम लोग दुआ मांगते हो वो कभी रद्द भी नहीं होती, तो अल्लाह से कहो कि भारत को बचा ले। नाजरीन, ये अल्लाह की कुदरत है कि भारत, जहां पर मुसलमानों का रहना भी मुश्किल था और पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू खानदान वापस लौट आए, वही आज मुसलमानों की दुआओं के मोहताज हैं। जब से भारत में कोरोना वायरस ने तबाही फैलाई है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि भारत की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ नौजवान एक खंबे पर भारतीय तिरंगा तो लहरा रहे हैं, लेकिन इस तिरंगे पर मोहम्मद का नाम लिख कर इसे लहराते हैं, ताकि भारत पर मोहम्मद के तवस्सुल से ही करम हो जाए। नाजरीन, अल्लाह इस वबा से दुश्मन और दोस्त
सबको महफूज रखे। नाजरीन, मुश्किल की इस घड़ी में भारत में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी भी सब कुछ भूल कर मैदान में आ गई है और अपने देश के लोगों के साथ सीना तान कर खड़ी हो गई है। कहीं मुसलमानों की जानिब से ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है तो कहीं मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं, वहाँ पर लंगर बट रहे हैं और मसाजिद को करंटीना सेंटर में तब्दील करके मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर आने वाले मरीजों की ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं बल्कि उनके अहले खाना का भी ख्याल रखा जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने देश के साथ खड़ी हो गई है, तो दूसरी जानिब भारत की अमीर शख्सियात ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने वतन को छोड़ना शुरू कर दिया है। भारत के तमाम शहरों और बिलखसूस उत्तर प्रदेश रियासत में कोरोना के केसेस और अमवाद की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है। भारत में कोरोना की वबा में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद इंडिया के अमीर अफराद मुल्क से निकलने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मुसाफरों की तादाद में इजाफे की वजह से किरायों में होशरुबा इजाफा हुआ जबकि निजी जहाजों की मांग भी बढ़ गई है। नाजरीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर पाकिस्तान में अपने पंजे गाढ़े चले जा रही है और पाकिस्तानियों की लापरवाही की वजह से आए रोज यहां पर केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है। आलमगीर वबाई मर्ज ने दहशत की फजा कायम की हुई है। मुतासरा मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है जिसके बाइस सूरत हाल संगीन हो चुकी है। हुकूमत ने कारोबारी मराकज के औकात कार मुकर्रर किए मगर अब मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जा रहा है। दो हफ्ते का लॉकडाउन लगाने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने तारीख का ऐलान कर दिया। दो हफ्तों का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मई में लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामियों को खत भेज दिया। मरासले में कहा गया है कि ज्यादा कोरोना केसेस वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मनसूबा है। जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया जाएगा उनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, हैदराबाद, लोरदीर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंड, चारसद्दा, सवाद, सवाबी शामिल हैं। मरासले में ये भी कहा गया है कि मुजफ्फराबाद, सधोंती, पूंछ और बाग में भी लॉकडाउन लगाने पर मुशावरत की गई। मुतल्लिका शहरों में कोरोना फैलाव रोकने के लिए मुनासिब इकदामात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम सरकारी इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई। तजावीज में कहा गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन ईद से पहले लगाना नागुजीर है। लॉकडाउन लगाए बगैर मामलात पर काबू नहीं पाया जा सकता। कम से कम 2 हफ्तों को लॉकडाउन ही सूरत हाल पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमात वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।